रूबल धनखड़ ने उन सभी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को पोक किया जिन्होंने बिग बॉस किया और बिग बॉस जीता। जीतने से वो क्या कहना चाहते हैं आप इशारा तो समझ ही गए होंगे। साथ ही साथ अपने बिग बॉस रोस्ट में उन्होंने रजत दलाल को भी ट्रोल कर दिया है। आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पोक के लिए ना गलत मैसेज जा रहा है। आने वाला यूथ पढ़ाई लिखाई छोड़कर ना सिर्फ यही करने वाला है, जैसे पुनीत सुपरस्टार, वड़ा बाउगर, फारा भाई जोगिंदर, एजाज खान, डोली चाय वाला और अपने रजत भाई, जिसे करने से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी मिलेंगे, लाइक्स भी मिलेंगे और बड़े बड़े ब्रांड जिनके साथ एडवर्टाइजमेंट शूट करने का मौका भी मिलेगा। पैसों की बारिश होगी और ज्यादा ही क्रिंज कर दिया तो बिग बॉस में आने का इनकी तरह मौका भी मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 निकलते निकलते ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने की बजाय ना छपरी ना बनने लग जाएं। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दे, सिविल सर्विस की तैयारी करना छोड़ दे, डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ दे और वो बनने लग जाए सिर्फ इन्फ्लुएंसर। रजत दलाल, पूरी दुनिया रजत दलाल की बिग बॉस में एंट्री होने से हैरान थी, लेकिन एक शख्स था जो बिल्कुल भी हैरान नहीं था और वो थे सलमान खान, क्योंकि दोनों ही भाइयों ने गाड़ी बहुत तेज चलाई थी सड़क पे। इस पर आपका कहना है कमेंट करके बता देना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करते हुए जाना।